सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत को लेकर आई बरेली लैब की रिपोर्ट के बाद रेस्क्यू अभियान में और अधिक तेजी आ गई है। नावा एसडीएम ब्रह्मलाल जाट ने 10 रेस्क्यू टीमों का गठन किया। इसके साथ ही एसडीआरएफ की अजमेर और जयपुर की टीमों को अलग अलग भागों में बांटते हुए झील के क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। वहीं सभी टीमों की निगरानी के लिए राजस्व विभाग की टीम्स बनाई गई है, जो रेस्क्यू के लिए टीमों के कार्य का आकलन करेगी। वहीं खाद्य विभाग भी नमक इकाइयों से सैंपल लेने में जुट गया है। क्षेत्र में अवैध रूप से डाले गए नमक इकाइयों के अपशिष्ट और बिजली के केबलों को लेकर भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।